आपको दो कलर वेरिएंट में देखने को मिल जाती है और यामा FZS25 आपको तीन कलर वेरिएंट और उसी के साथ 1.68 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों बाइकों में आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल एक शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है और अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो बाइक आपको 1 लाख। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकनाथ एंड यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यामाहा की 250 सेगमेंट की दो स्पेशल बाइक्स, यामाहा FZ25 और यामाहा FZS25। वैसे तो दोनों बाइक्स में सिर्फ कलर और प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है और बाकी किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर आइए जानते हैं यामाहा FZS25 और FZS25 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम द लुक्स, यामाहा FZS और यामाहा FZS25 आपको नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाएगा। कलर की बात करें तो यामाहा FZS25 आपको दो कलर वेरियंट में देखने को मिल जाती है और यामाहा FZS25 आपको तीन कलर वेरियंट में देखने को मिल जाती है। FZ25 की बात करें तो बाइक में आपको रेसिंग और मेटलिक ब्लैक कलर देखने को मिल जाती है और FZS25 की बात करें तो बाइक में आपको प्लेटिना ग्रीन, डार्क मैट ब्लू और व्हाइट बर्मिलियन कलर देखने को मिल जाता है। बाइक की लाइटिंग्स की बात करें तो फ्रंट में आपको LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प और हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है और उसी के साथ रियर में आपको LED टेल लैम्प के साथ हेलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाता है। और तो और बाइक में आपको विंडशील्ड भी देखने को मिल जाता है छोटा सा। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करें तो बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिल जाता है जहां पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर और फ्यूल गॉज देखने को मिल जाता है और उसी के साथ न्यूट्रल, इंजन मलफंक्शन, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और ABS इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो यामाहा FZ25 और यामाहा FZS25 में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है जहां पे आपको राइट हैंडल बार में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है और उसी के साथ राइट हैंडल बार में आपको इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो बाइक में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और उसी के साथ 1.68 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। और तो और अगर माइलेज की बात करें तो बाइक में आपको 35 से लेकर 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो दोनों बाइकों में आपको 249cc की 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2-वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है जो आपको 20.8 PSP की मैक्सिमम पावर और 20.1 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके दे सकती है। गियर बॉक्स की बात करें तो बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो फिफ्थ गियर में आपको 130 से लेकर 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड निकाल के दे सकती है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो दोनों बाइकों में आपको फ्रंट में 100x80 सेक्शन की 17 इंचेस वाला और रियर में 140x70 सेक्शन की 17 इंचेस वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों बाइकों में आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क भी देखने को मिल जाती है। सीट हाइट की बात करें तो यामाहा FZ25 और यामाहा FZS25 में आपको 795mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो फिर अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो ये बाइक आप इजीली चला सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बाइक में आपको 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है और कार्ब वेट की बात करें तो 153kg की कार्ब वेट देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट की बात करें तो यामाहा FZ25 और यामाहा FZS25 में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है और उसी के साथ क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट गर्ड भी देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको ओपन चेन, बॉक्स टाइप स्विंग आर्म और स्प्लिट सीट भी देखने को मिल जाता है। और तो और बाइक में आपको पिलियन के लिए ग्रैब रेल्स भी देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो FZ25 और FZ25 में प्राइसिंग का थोड़ा डिफरेंस है। प्राइसिंग की बात करें तो FZ25 आपको 1.34 लाख की एक शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है और अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो बाइक आपको 1,53,367 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है और दूसरी तरफ FZS25 आपको 1.39 लैक्स की एक शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है और उसी के साथ 1,58,226 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में भी देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।